गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नए वीडियो में फिर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी 6.2 में 6 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था, 7 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब इस वीडियो में हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ एक टॉपिक भी ध्यान रखना आप लोगों को, एफएक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू सी। एफएक्स एक्स इक्वल्स टू सी पर अवकलनीय है। मान लो आपको एक स्टेटमेंट दिया है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू सी, एफ एक्स एक्स इक्वल्स टू सी पर अवकलनीय है। सो ध्यान रखना, इसका रिवर्स रिजल्ट आपको खुद को याद रखना होगा, एफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू सी। मतलब अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, कोई भी फंक्शन, तो वो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूस भी होगा, हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, होगा, डेफिनेट होगा। और अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल होगा। इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस if fx is continuous, so not necessary it will differentiable। fx यदि सतत है तब आवश्यक नहीं कि अवकलनीय हो। ठीक है, बट अगर डिफरेंशियबल है, एफ एक्स इज डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल्स टू सी, सो इट विल कंटिन्यूस ऑल्सो, मतलब सतत भी होगा। सो एक नोट हमेशा ध्यान रखना, नोट कर सकते हैं आप, इसे स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एग्जामिन द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, एक्स इक्वल्स टू जीरो पर अवकलनीयता जांच करनी है। फंक्शन दे रखा आपको एफ एक्स इक्वल टू 1 upon 1 plus e 1 upon x square when x not equals to 0 and 0 when x equals to 0। हमें ये जो फंक्शन दिया है एफ एक्स, इसकी x equals to 0 पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, फंक्शन डिफरेंशियबल है या नहीं, अवकलनीयता देखनी है। देखिए सबसे पहले तो फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, एफ सी मीन्स एफ जीरो, फंक्शन की जीरो पर वैल्यू है जीरो। अब हम निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, सो राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच
h tends to 0. fc plus h, fc plus h means c ki value replace ki, 0 plus h minus f0 upon h, and fc to already 0 tha, to ise hata hi deta hu main. मेरे पास बच गया f 0 plus h upon h, 0 plus h not equals to 0, so ये वाला फंक्शन होगा 1 upon 1 plus e 1 upon h square upon h, ठीक है. देखिए h की वैल्यू रख दी not equal पार्ट में, 1 upon 1 plus e 1 upon h square and divide by h. इसको आगे देखा हमने, h tends to 0, 1 upon 1 plus e 1 upon h square and h, ये जो नीचे वाली टर्म लिखी थी. इसके बाद मैं लिमिट यूज करने की कोशिश करता हूं यहां, सो अगर मैं लिमिट यूज करता हूं सो यहां पे बनेगा 1 upon 0 1 plus e 1 upon 0 means infinity. So ये बन जाएगा 1 upon 0 into infinity का form, जो एक indeterminate form है, इसको मुझे remove करना है, हटाना है. मैंने यहां से e की power 1 upon h square को common ले लिया, देखिए यहां करना क्या है आपको, e की पावर 1 अपॉन h स्क्वायर को कॉमन लेना है, कॉमन लिया सो यहां पे क्या बचेगा, 1 अपॉन e पावर 1 अपॉन h स्क्वायर प्लस 1, h टेंड्स टू 0, ये जो पावर है ये ऊपर जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, e की पावर माइनस 1 अपॉन h स्क्वायर अपॉन h की पावर माइनस वन अपॉन एच स्क्वायर प्लस वन, ठीक है. इसके बाद मैंने लिमिट यूज किया, एच की जगह मैंने जीरो लिखा, जीरो लिखते ये जीरो स्क्वायर वन अपॉन जीरो हुआ माइनस इंफिनिटी, माइनस साइन तो ऑलरेडी है, वन अपॉन जीरो स्क्वायर मीन्स इंफिनिटी, ये हुआ जीरो, ये फिर ई की पावर माइनस इंफिनिटी बना और ये प्लस वन. ई की पावर माइनस इंफिनिटी हमें पता है ई की पावर माइनस इंफिनिटी जीरो होता है, जीरो इंटू जीरो प्लस वन, ठीक है. ऊपर वाला केस बन गया जीरो, नीचे वाला केस बन गया जीरो, यहां जीरो बन गया और यहां प्लस वन बन गया, ठीक है. सो यहां पे अगर आप देखें सो ये वाला फंक्शन जो होगा यहां पे इंडिटरमिनेट फॉर्म दे रहा है जीरो अपॉन जीरो, सो हमें कैलकुलेशन को चेंज करना होगा. देखिए मैंने दोनों केस बता दिए, पहला केस ये था कि हम यहाँ पे लिमिट यूज़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि लिमिट अगर मैं यूज़ करता, लिमिट अगर मैंने यूज़ करने की कोशिश की होती तो ये क्या बन जाता आपका इन्फिनिटी. दूसरा केस ये था कि मैं इसको e की पावर माइनस वन अपॉन एच स्क्वायर को कॉमन लूँ, या e की पावर वन अपॉन एच स्क्वायर को मैंने कॉमन लिया, सो ये बना वन अपॉन e की पावर वन अपॉन एच स्क्वायर प्लस वन, ये वैल्यू ऊपर जाके क्या बनी h e की पावर माइनस वन अपॉन एच स्क्वायर प्लस वन, ऊपर वाला पार्ट जीरो बन गया, ये जीरो सो जीरो अपॉन जीरो फॉर्म बन रहा है, ये भी आपके लिए टिपिकल है. तीसरा मेथड इसका क्या हो सकता है कि हम यहां एक्सपेंड करते e की पावर x का, सो e की पावर x का एक्सपेंड करते हैं यहां, सो सबसे पहले e की पावर x में आता है वन प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल थ्री एंड सो ऑन. सो यहाँ मैंने एक्सपेंड किया, सबसे पहले मेरे पास आएगा वन मीन्स वन, फिर आएगा मेरे पास एक्स मीन्स वन अपॉन एच स्क्वायर, देन मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर सो वन अपॉन एच फोर फैक्टोरियल टू एंड सो ऑन. इसके बाद देखिए वन एंड वन हुआ आपके पास टू, एच से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ टू एच, यहाँ मल्टीप्लाई किया वन अपॉन एच, यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया वन अपॉन टू फैक्टोरियल एच क्यूब, ठीक है.
अब मैं यहाँ लिमिट यूज कर रहा हूँ, सो लिमिट यूज किया, सो 2 इंटू 0 0 हो गया, 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, 1 अपॉन 0 क्यूब मीन्स इन्फिनिटी, सो आपके पास जो बच रहा है वो 1 अपॉन इन्फिनिटी है एंड 1 अपॉन इन्फिनिटी आपका होता है 0 है। सो देखिए यहाँ पे जितने भी केस बन सकते थे, 3 केस मैंने बताए, पहला लिमिट रख सकते थे, दूसरा आपके दिमाग में मैंने एक चीज़ बताई थी कि बेटा हमेशा e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, सो अगर आपके दिमाग में ऐसा है कि हम यहाँ पे e की पावर माइनस इन्फिनिटी बनाए तो उस वाले केस से भी ये फेल हो रहा था। थर्ड केस में मैंने एक्सपेंड किया है, एक्सपेंड से आपकी लिमिट आई है 0। सो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, इसके बाद हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, एच टेंस टू 0, एफ सी ऑलरेडी 0 तो इसको हटा देंगे, एफ सी माइनस एच अपॉन माइनस एच, एच टेंस टू 0। एफ 0 माइनस एच मीन्स नॉट इक्वल टू 0, सो ये वाला फंक्शन यूज होगा, माइनस 0 अपॉन माइनस एच, 1 माइनस एच 1 प्लस ई की पावर माइनस 1 अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है। एच की जगह मैंने 0 यूज किया, सो ये बन गया 0 इंटू 1 प्लस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, 1 अपॉन 0 इंटू 1 प्लस 0, सो ये बना 1 अपॉन 0 जो कि क्या है, इन्फिनिटी है। सो देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव आपके पास आ गया था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आपके पास इन्फिनिटी है, हैंस इट दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल्स टू 0, ये फंक्शन आपका डिफरेंशियबल नहीं होगा। देखिएगा ये वाला पार्ट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 माइनस एच मतलब 0 के इक्वल नहीं है, सो इसमें मैंने माइनस एच पुट कर दिया, 1 अपॉन 1 प्लस ई 1 अपॉन एच स्क्वायर, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, दोबारा देखिएगा इसी को, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वाले पार्ट को वापस देखिए एक बार, यहां देखिए जब मैं x की जगह यहां माइनस एच लिखूंगा सो ये बन जाएगा 1 अपॉन एच स्क्वायर अगेन और यहां माइनस एच, ठीक है। यहां जो x है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये है आपका फंक्शन 1 अपॉन 1 प्लस ई पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सो एक्स की जगह आपने क्या लिखना है, माइनस एच, क्योंकि यहां 0 माइनस एच है, और जैसे ही मैं एक्स की जगह यहां माइनस एच लिखता हूं सो ये बन गया 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन एच स्क्वायर, ये फंक्शन आपको मिल जाएगा। So, मैंने यहाँ पे क्या एक मिस्टेक की थी, मैंने यहाँ माइनस लगा दिया था जबकि वो स्क्वायर फंक्शन है और माइनस को हटा देगा, 1 अपॉन माइनस एच 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन एच स्क्वायर, एच टेंस टू 0, और ये वैसे ही है जैसे आपने राइट हैंड डेरिवेटिव सॉल्व किया था, और इसकी वैल्यू भी आप निकाल लेंगे सीधी सीधी, ये पूरा पार्ट आपने राइट हैंड डेरिवेटिव में देखा था, सो ये वैल्यू भी आपके पास क्या आ जाएगी 0, और दोनों पार्ट इक्वल आ रहे हैं इसलिए फंक्शन आपका डिफरेंशियबल होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आप,
इसके बाद आपका नाइन्थ क्वेश्चन देखिए क्या है. एग्जामिन डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, एफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो, वन वन एक्स इक्वल्स टू जीरो. फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी देखनी है आपको एक्स इक्वल्स टू जीरो पर, कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा. सो हम सबसे पहले राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, उससे पहले फंक्शन की जीरो पर वैल्यू देख लेते हैं. सो फंक्शन की जीरो पर वैल्यू है वन. राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव का लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच. देखिए जीरो प्लस एच मीन्स ये वाला, यहां पे रिप्लेस किया मैंने मोड एच अपॉन एच माइनस एफ जीरो. फंक्शन की जीरो पर वैल्यू वन, ठीक है. मोड एच का मतलब एच अपॉन एच माइनस वन अपॉन एच से एच कैंसिल, वन माइनस वन अपॉन एच. सो आया आपके पास जीरो अपॉन एच, जीरो अपॉन एच आपके पास आ गया यहां, ठीक है. और जब एच टेंस टू जीरो है, एच क्या है टेंस टू जीरो, सो ये वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, क्योंकि जीरो में मैं किसी छोटे से नंबर का डिवाइड करने वाला हूँ 0.00001. सो ये वैल्यू ऑब्वियसली जीरो होगी. सो ये तो हुआ आपका राइट हैंड डेरिवेटिव, ये वैल्यू जो है वो राइट हैंड डेरिवेटिव की है, राइट हैंड डेरिवेटिव आपका जीरो आ रहा है. ये ध्यान रखना जीरो अपॉन एच बनने के बाद आप लिमिट ना रखें, जीरो अपॉन जीरो ना करें इसको. इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है एफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस एच, सी माइनस एच होते हैं, सो सी की जगह मैंने जीरो लिख दिया. एफ जीरो माइनस एच मीन्स नॉट इक्वल टू जीरो वाला केस, सो मोड में लिखा मैंने माइनस एच अपॉन माइनस एच माइनस एफ जीरो की वैल्यू वन है डिवाइड बाई माइनस एच, एच टेंस टू जीरो. देखिए माइनस एच का जो मोड होगा वो प्लस एच होगा, अपॉन में माइनस एच माइनस वन अपॉन माइनस एच, माइनस एच से एच कैंसिल हुआ सो माइनस वन अपॉन माइनस एच, टू अपॉन एच, एच की वैल्यू रिप्लेस की. अब देखिएगा पिछला केस था जीरो अपॉन एच, तब मैंने कहा कि जीरो में एच का डिवाइड करें जीरो आता है, और इस वाले केस में यहां पे लिमिट रखनी पड़ी और मैंने यहां लिमिट रखी टू की, टू अपॉन जीरो मतलब एच की जगह जीरो लिखा, बट यहां जीरो नहीं लिखा, ठीक है, यहां पे जीरो नहीं लिखा, यहां पे एच की वैल्यू अप्रोक्स 0.001 ऐसे कुछ होती है, सो डिवाइड करने पे जीरो आएगा. यहां पे जीरो अपॉन जीरो केस नहीं बन रहा इसलिए लिमिट रखी जीरो, टू अपॉन जीरो बनता है इंफिनिटी. और इस बार भी आपका राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, इसलिए ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है. एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप. देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखना यार कि हम जीरो अपॉन जीरो फॉर्म नहीं बनाते किसी भी हालत में, ठीक है. सो यहाँ पे जैसे जीरो अपॉन जीरो अपॉन एच आ रहा था, अगर मैं एच की जगह जीरो लिखता तो ये जीरो अपॉन जीरो फॉर्म का पार्ट होता है, इसलिए हमें ये फॉर्म नहीं बनाना, हमें लिमिटिंग पोजिशन यूज करनी है. यहाँ लिमिट रखने पर ये केस नहीं बन रहा इसलिए मैंने लिमिट रखी है, ध्यान रखने का इस बात का, ठीक है.
इसके बाद देखिए टेंथ क्वेश्चन देखिए, फंक्शन दे रखा है आपको एफ एक्स इक्वल्स टू वन प्लस साइन एक्स टू प्लस एक्स माइनस पाई बाई टू होल स्क्वायर व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू पाई बाई टू, जीरो लेस देन इक्वल्स टू एक्स एंड लेस देन पाई बाई टू। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, अवकलनीय था एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू, ठीक है। सो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फंक्शन की पाई बाई टू पर वैल्यू निकाल लेते हैं, एफ पाई बाई टू इक्वल पार्ट ये है, सो यहां पे वैल्यू रखनी होगी टू प्लस एक्स, एक्स की जगह लिखा पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू होल स्क्वायर मीन्स टू, ये तो हो गया जीरो। अब हम निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। देखिए सी उस पॉइंट को कहते हैं जिस पे चेक कर रहे हैं, काफी बार बता चुका मैं, सो सी की वैल्यू यहां पाई बाई टू होगी माइनस एफ पाई बाई टू अपॉन एच। एफ पाई बाई टू प्लस एच, पाई बाई टू प्लस एच मतलब पाई बाई टू से बड़ा, सो यहां लिखा टू प्लस एक्स की जगह लिखा मैंने पाई बाई टू प्लस एच माइनस पाई बाई टू का होल स्क्वायर। ये एफ पाई बाई टू प्लस एच की वैल्यू है जब एक्स की वैल्यू पाई बाई टू से बड़ी, तो यहाँ एक्स की जगह लिखा पाई बाई टू प्लस एच माइनस एफ पाई बाई टू जो हम पहले निकाल चुके हैं माइनस टू अपॉन एच, ठीक है। ये राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं हम टू प्लस एक्स माइनस में, पाई बाई टू से पाई बाई टू कैंसिल, सो ब्रैकेट में रहा एच स्क्वायर माइनस टू अपॉन एच, टू से टू कैंसिल सो एच स्क्वायर बाई एच, सो रहा एच और एच की वैल्यू जीरो। ये पार्ट था आपका राइट हैंड डेरिवेटिव का, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ध्यान रखना है यहाँ फंक्शन की वैल्यू रिप्लेस करते समय एफ सी प्लस एच मीन्स एफ पाई बाई टू प्लस एच एंड पाई बाई टू प्लस एच यहां से निकला है। इसके बाद लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है आपका एफ पाई बाई टू माइनस एच, एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, एच टेंड्स टू जीरो। सी की जगह मैंने रिप्लेस किया पाई बाई टू माइनस एच, सॉरी सिर्फ पाई बाई टू, सी की जगह रिप्लेस किया पाई बाई टू, सो ये हुआ एफ पाई बाई टू माइनस एच माइनस एफ पाई बाई टू डिवाइड बाई माइनस एच, ठीक है। सो यहां सी की जगह लिखा पाई बाई टू। अब देखिए पाई बाई टू माइनस एच मतलब पाई बाई टू से छोटा होगा फंक्शन, पाई बाई टू से छोटा होगा तो फंक्शन ये लेना पड़ेगा आपको वन प्लस साइन पाई बाई टू माइनस एच, ये तो इस फंक्शन की वैल्यू हो गई माइनस एफ पाई बाई टू मतलब टू अपॉन माइनस एच, एच टेंस टू जीरो। सो देखिए साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, वन माइनस टू हुआ माइनस वन अपॉन माइनस एच, ठीक है। ऊपर से मैंने माइनस कॉमन लिया सो बन गया वन माइनस कॉस एच अपॉन एच माइनस के साथ, माइनस से माइनस कैंसिल वन माइनस कॉस एच मीन्स टू साइन स्क्वायर एच बाई टू अपॉन एच, टू साइन स्क्वायर एच बाई टू को मैंने लिखा साइन एच बाई टू डिवाइड बाई एच, ठीक है। साइन का फंक्शन आ गया लिमिट एच टेंस टू जीरो है इसलिए मैंने डिवाइड में सेम एंगल बनाए एच बाई टू बैलेंस के लिए यहाँ मल्टीप्लाई किया एच स्क्वायर बाई फोर से, सो ये वन हो गया, ये वन हो गया, यहाँ से एक वैल्यू कैंसिल, सो मेरे पास बचा टू इंटू एच बाई फोर, एच की लिमिट यूज करते ये जीरो हो गया,
h की लिमिट जैसे मैंने यूज की ये जीरो हो गया, सो ये फंक्शन भी क्या हुआ आपका डिफरेंशियबल हो गया एट x इक्वल्स टू पाई बाई टू पर, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू पाई बाई टू पर जीरो आ रही है, सो ये फंक्शन डिफरेंशियबल है पाई बाई टू पर। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन बच गया है 11th, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।